हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनएस टेक्निकल गुरु चैनल में। तो आज हम इस 45 वाट इन्वर्टर बोर्ड में जो आउटपुट का कनेक्शन होता है, जिससे 220 वोल्ट एसी आउटपुट होता है, तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, इसमें दो प्रकार की किट होती है, एक ये और एक ये। तो दोनों में फ़र्क यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए एक आईसी लगी हुई है HCF4050BE, और यहाँ पे उसकी जगह फ्रेंड दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है BC557। ठीक है, तो दोनों में आउटपुट का कनेक्शन सेम होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम में भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे ऊपर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर यहाँ पर है, और जो चार डायोड लगे हैं, ये देखिए डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है, और ये देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव सिरा है, ये कैपेसिटर की प्लस पॉइंट से कनेक्टेड है। मैं आपको इस किट में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव सिरा, और इसकी ट्रैक यहाँ पे देखिए, ये है कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट में। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू है 450 वोल्ट 47 μF। ठीक है, और बीच वाली पिन जो है, इसमें देखिए बीच वाली पिन, ये रिले की पिन नंबर 4 पे गई है। ठीक है, ये देखिए, और जो लास्ट वाली पिन है फ्रेंड्स, ये भी रिले की 2 नंबर पिन में है। तो इसमें आउटपुट का कनेक्शन देखिए, जो डायोड है, डायोड के प्लस पॉजिटिव से हमें एक वायर का कनेक्शन करना है 2 पिन टॉप में। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन जो है फ्रेंड्स, देखिए इसकी बीच वाली पिन जो रिले की बीच वाली पिन पे जा रहा है, 4 नंबर पिन पे, तो उससे हमें एक वायर ले लेना है, जिससे एक वायर ये हो जाएगा देखिए बीच वाली पिन का, और एक ऊपर वाली। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाली पिन से एक वायर लेना है, और बीच वाली पिन से, तो ये दोनों पिन से 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। और जो लास्ट वाली पिन बचती फ्रेंड्स, ये है जो जब इन्वर्टर हमारा ऑन रहता है, उस कंडीशन में अगर लाइट आती है, तो ये ऑटो कट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि बैटरी का कनेक्शन हट जाता है और लाइट का कनेक्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, जो बल्ब है वो लाइट से जलने लगता है, और बैटरी से उसका कनेक्शन कट जाता है। तो देखिए, ये लास्ट वाली पिन में हमें जो एसी सप्लाई इनपुट होगी, इसमें जो ट्रांसफार्मर में जाएगी, वही सप्लाई इसमें भी हमें एक वायर इसमें देना है, और लास्ट वाले में एक वायर इसमें देना है। तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार जूम आउट करके, तो देखिए डायग्राम में ये जो ट्रांसफार्मर है, इसके दो वायर जो जिसमें हम एसी सप्लाई देंगे, तो उसमें जो एक वायर है वो सीधे लास्ट वाली पिन के साथ कनेक्टेड रहेगा। देखिए, ये लास्ट वाली पिन जो रिले की 2 नंबर पिन पे जा रही है, आप इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, और जो एक और पिन रहेगी फ्रेंड्स, सबसे ऊपर वाली पिन में देखिए, जहाँ पे 4 डायोड है, इसका पॉजिटिव सिरा, ये फ्रेंड्स इसमें देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो एक वायर आएगा इसमें, जो प्लग में, ये जो यहाँ पे रहेगा जिसमें हम आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट में भी एक वायर इसका लगेगा, देखिए ये डायोड का, और ये ट्रांसफार्मर का भी, जो सप्लाई हम इसमें देंगे चार्जिंग के लिए ट्रांसफार्मर में, उसके साथ ये लगेगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देते हैं एक बैटरी के थ्रू। तो हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की, ये देखिए 12 वोल्ट 7 एम्पियर यही बैटरी लगती है फ्रेंड्स इसमें। तो चलिए इसमें देखते हैं हम आउटपुट में, तो ये माइनस टर्मिनल में लगा दिया, और ये प्लस, ठीक है, और उसमें हम कनेक्शन करते हैं। उसके लिए हमने एक 9 वोल्ट का बल्ब ले लिया है, ये देखिए, और सबसे पहले आउटपुट के लिए देखिए, जो 4 डायोड है उसके पॉइंट से हमें एक टर्मिनल का कनेक्शन करना है, और दूसरा जो पॉइंट है वो इस कनेक्टर की बीच वाली पिन से लेना है, जो रिले की देखिए इस वाली पिन में गया है, यहाँ पर हम इसे चिपका देते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। और देखिए, अब इसे हम ऑन करके देखते हैं कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ये होता है इससे बोर्ड को ऑन करने के लिए, यहाँ से एक स्विच है सामने लगी रहती है, पैनल में देखा होगा आपने। तो देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ एसी सप्लाई। इसमें अगर आप फ्रेंड्स डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में 2 वायर लगा देते हैं और इसमें नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा, मगर इसमें देंगे तो फ्रेंड्स क्या है, ऑटो कट इसका चालू रहेगा।
यहाँ पर आपको एक वायर लगाना है जो बोर्ड से कनेक्शन आएगा, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर की सप्लाई में जाएगा 230 वोल्ट एसी, एक यहाँ पे लगाना है आपको और एक इसके लास्ट वाली पिन पे। ये देखिए ये पिन जो है रिले के इस पिन पे आइए, ये दोनों पे लगाना है। देखिए अभी ये ऑन हो रहा है, तो मैं इसमें आपको पैनल लगा के भी दिखा देता हूँ जो इसका इंडिकेटर पैनल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका इंडिकेटर पैनल लगा दिया। इसमें देखिए सबसे पहले जो है मेंस ऑन, यूपीएस ऑन, चार्जिंग ऑन, ओवरलोड और बैटरी लो। तो जैसे हम इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे देखिए, तो यूपीएस ऑन की एलईडी भी ग्लो कर रही है। फ्रेंड्स अगर आप इसकी वायरिंग जानना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप चैनल में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो फ्रंट पैनल इंडिकेटर वायरिंग है ये बहुत ही आसान होती है, चाहे ये वाला बोर्ड हो या फिर ये वाला बोर्ड हो, कोई से भी बोर्ड में फ्रेंड्स इसकी वायरिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। और जो बैटरी लो है, तो देखिए अभी हमारे पास एक पुरानी बैटरी है, उसमें हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बैटरी लो का सिंबल दिखाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इसमें पुरानी बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, अब देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैटरी लो बता रहा है, बल्ब 1 सेकेंड के लिए ग्लो होता है और बंद हो जाता है देखिए, क्योंकि ये बैटरी लो है अभी। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है फ्रेंड्स कि जब आप इसे चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग ऑन की जो एलईडी है अगर वो धीरे चल रही है, तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बैटरी आपकी पुरानी है तो इसकी चार्जिंग एलईडी धीरे जलेगी, और बैटरी अगर न्यू है फ्रेंड्स तो इसकी चार्जिंग एलईडी बिल्कुल तेज जलेगी, ठीक है। तो इसकी चार्जिंग ऑन की एलईडी के लिए देखिए सिग्नल कहाँ से मिलता है इसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो LM317 लगा है, इसके साथ देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को देखिए आप, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर के पास एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये ट्रैक जो जा रही है सबसे ऊपर वाली ट्रैक, यह चार्जिंग ऑन की एलईडी के लिए, ठीक है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अभी ट्रांसफार्मर तो नहीं है मेरे पास, पर देखिए यहीं से इसकी चार्जिंग ऑन की एलईडी को ग्लो करने के लिए सप्लाई मिलती है। बैटरी जैसे जैसे चार्ज होगी तो उसकी एलईडी फ्रेंड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, इसका जो लाइट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।